दोस्तों कबीर दास जी ने क्या खूब कहा है कि जिन खोजा तिन पाई यहाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे पैठ। जी हाँ दोस्तों, जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन जो लोग असफलता के डर से बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि कामयाबी महज एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। अब गोताखोर को ही देख लीजिए, वो पानी में कई बार डुबकियाँ लगाता है, कई बार खाली हाथ भी लौटता है, लेकिन ना तो उसकी कोशिशों में कमी आती है और ना ही उसके उत्साह में कमी आती है, बल्कि उसका जो उत्साह है वो तो दुगना बढ़ जाता है, और दुगनी उत्साह के साथ वो अपनी कोशिश करता ही रहता है और तब तक प्रयास करता है जब तक कि वो अपने काम में सफलता ना हासिल कर ले। इसीलिए आप भी तब तक हार मत मानिए जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो जाते। फिर देखिएगा किस तरह सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी विचार के साथ सुप्रभात धरती धोरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राधिका। और मैं हूँ आपके साथ रवि। राधिका, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो व्यक्ति लक्ष्य को आधार मानकर अगर काम करता है तो उसे सफलता मिलना निश्चित है। दोस्तों, आज 29 अगस्त का दिन है और 29 अगस्त का दिन भारतीय खेल इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रखता है, बहुत बड़ा दिन माना जाता है। राधिका, आज का दिन क्या खास है, खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल, मुझे पता है, क्योंकि आज जो है हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्मदिन है। क्या बात है, बिल्कुल हॉकी के बहुत बड़े जादूगर थे वो, और जब उनकी स्टिक के साथ कलाई चलती थी तो सामने वाला सिर्फ देखता ही रहता था और वो गोल दाग देते थे। आज हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और 1905 में इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ था। और देखिए, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस की बात और अभी चल रहे हैं 18वीं एशियाई खेल। राधिका, 18वीं एशियाई खेलों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि कल रही है वो रही है 56 साल बाद 800 मीटर दौड़ में भारत के मनजीत सिंह ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। क्या बात। और आपको दोस्तों उपलब्ध जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार बता दूं कि भारत अभी तक कुल 9 स्वर्ण, 19 रजत और 22 कांस्य पदक, यानी कि कुल 50 पदकों के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। और अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं और लगातार हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जो पदक तालिका है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। राधिका, 29 अगस्त का दिन है, राष्ट्रीय खेल दिवस, एशियाई खेल जो वो चल रहे हैं, और जब खेलों की बात चली है तो सुप्रभात धरती धोरारी पर आज विशेष तौर से हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच पहलवान राजकुमार यादव जी। इनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, इनके जीवन चरित्र के बारे में, कहां से इन्होंने शुरू किया और आज जिस कोच के मुकाम पर हैं, इनकी एक बहुत बड़ी पहचान पूरे देश में है और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुश्ती कोच पहलवान के रूप में भाग ले चुके हैं। बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक इनके जीवन चरित्र पर एक लघु फिल्म देखेंगे जहाँ पर ये बच्चों को सिखाते हैं, कब बहुत जल्दी सुबह ये उठकर आते हैं, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये सारा एक लघु फिल्म में हम देखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है राजकुमार यादव जी। तो आइए, हमने उनके सफ़र को तो देखा कि किस तरीके से वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनका जो शेड्यूल है वो कितना टाइट है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमें कुछ बहुत बड़ा अचीव करना पड़ता है तो अनुशासन तो हमें रखना ही पड़ता है। तो आइए, उनके जीवन के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें
हुई और जिनसे हम सीख ले सकते हैं, तो आइए उन्हीं के जबानी हम जानते हैं। राजकुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात धरती धुरारी पर। जैसा कि अभी हमने देखा कि आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और बच्चे तो हमारे जो भविष्य है देश का, लेकिन अगर हम खुद की बात करें तो हर इंसान हमसे सीखता है, क्योंकि अगर हम किसी के सामने अच्छा प्रेजेंट करते हैं तभी लोग हमें अपना आदर्श मानते हैं और कई चीज़ें हमसे सीखते हैं। तो आपके जो सीखने की शुरुआत है हर इंसान की सुबह से ही होती है, तो सुबह अगर हम बेहतर बनाते हैं तभी हमारी ज़िंदगी आगे जाके बेहतर हो सकती है। तो किस तरीके से आपकी सुबह की शुरुआत होती है? देखिए, सुबह 3:30 बजे के समय में हम सुबह बिस्तर छोड़ देते हैं जी, और उसके बाद में नित्य प्रतिया करने के बाद में मैं जिम पे आ जाता हूँ जी, और जिम पे बच्चे आ जाते हैं। मैं 3:30 से 4:30 उन बच्चों को जिम पे बता देता हूँ कि आपको ये करना है ये करना है जी, और वो जिम की शुरुआत कर देते हैं जी। उसके बाद 4:30 बजे फिक्स ग्राउंड में आ जाते हैं जी, और ग्राउंड में सभी बच्चे बच्चियाँ ग्राउंड में उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद उनके साथ दौड़ शुरू होती है, और दौड़ करने के बाद में उन बच्चों को फिर मैं पीटी पे ले आता हूँ, वो पीटी करते हैं जी। पीटी सेशन होने के बाद में उन बच्चों के मैं सूट लगवाता हूँ जी, उनके 100-100 मीटर के 15-16 सूट लगवाता हूँ, और उस सूट के बाद में उन बच्चों को फिर मैं लेके रस्से पे चला जाता हूँ, फिर उन बच्चों से रस्से करवाता हूँ, और रस्से करने के बाद में उन बच्चों को फिर मैट पे लेके जाता हूँ। मैट में जाते ही पहले उनको वार्म अप किया जाता है, फिर उनको टेक्निक के लिए अप्लाई किया जाता है, टेक्निक के बाद में फिर उनका जोर आजमाइश के लिए मैं उनका आपस में एक दूसरे से कुश्ती करवाता हूँ, ताकि उन लोगों को पता लगे कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं कहाँ ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जहाँ उनको ये लगे कि यहाँ इस तरह की पोजीशन में मुझे अनकंफर्टेबल है, मैं उनको बताता हूँ कि ये टेक्निक ऐसे अप्लाई की जाती है, और ये सत्र मेरा 4:30 से सुबह और 8:30 बजे तक चलता है। सर, सुबह 3:30 बजे उठना और इतना हार्ड प्रैक्टिस, मतलब आप इन्वॉल्व होकर उन बच्चों के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से देश का जो आने वाला भविष्य है वो निश्चित रूप से बहुत ही सुनहरा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। राजकुमार जी, बात करें हम आपके बचपन की, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसा आपका बचपन बीता, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, अलवर जिले के बहरोड़ तहसील में शेरपुर गांव है, छोटा सा गांव है, बहरोड़ से मात्र 2 किलोमीटर पे है, हाईवे के ऊपर है जी। उसमें मेरा जन्म हुआ है। मैं जो जितनी भी जो ये उपलब्धियाँ हैं जन्म से ही, ये मैंने अपने दादाजी से, अपने पापा से सीखा, क्योंकि वो भी अपने ज़माने के अच्छे बलिष्ठ पहलवान रहे हैं जी। मेरे पापा श्री कंवर सिंह पहलवान जी के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छी पहलवानी की है, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के अपने आप को इस जगह पहुँचने की पूरी कोशिश की है, उनकी वजह से पहुँचा हूँ। बचपन मेरा शेरपुर गाँव में बीता है, और वहीं से मैंने मिट्टी में इन अखाड़ों में मैंने खेलना शुरू किया। बिल्कुल, पहले जो अखाड़े हुआ करते थे वो मिट्टी में ही हुआ करते थे, अब जाके गद्दों पे होने लगे, उसकी बात भी हम करेंगे जी। रवि जी, पर बिल्कुल बचपन की बात चल रही है, तो बचपन की सबसे खास बात होती है कि हर बच्चा बहुत ही शरारती होता है, और उसके जो शरारती के जो किस्से होते हैं वो ताउम्र सभी लोगों को याद होते हैं जो हमारी ईद गीत हमारे परिवार से जुड़े होते हैं। तो आपके बचपन की कुछ ऐसी शरारत? हाँ, मैं बचपन से शरारती तो था, शरारती होते वो स्पोर्ट्समैन बनते हैं, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ऊर्जा होती है वो शरारती आदमी वो स्पोर्ट्समैन बनता जी, है जी। तो बचपन में हम क्या करते थे, गांव में जो ये हॉकी का एक जो बना है इसके पीछे गांव में हम खेलते हैं लकड़ी लेके, और उसको ठुरिया बोलते हैं हम लोग, तो गांव में हम वो लकड़ी से वो गेंद बनाते थे मिट्टी की, उस गेंद से हम ठुरिया खेलते थे। तो उसमें क्या होता है, उसका ओड़ा बोलते हैं गांव में, ओड़ा बोलते हैं। अब उसमें सामने वाला प्लेयर अगर ओड़ा हो जाता था, हम उसकी टांग पे लकड़ी मारते थे और मैं कभी कभी बिना ओड़े भी उसकी टांग पे लकड़ी मार देता था। वो बच्चे वहाँ रोते, वो वहाँ घर पे शिकायत लेके आते, मैं घर से दूर भग जाता, वो घर पे बैठते भाई तेरे बेटे ने माँ को शिकायत करते, उसने मारा। तो ये खेल में क्या होता है कि मनोरंजन के साथ साथ थोड़ी शरारतें भी चलती हैं, तो ये बचपन की यादें हैं। उसके बाद में गांव में क्या होता, 30 के ऊपर जो अभी 30 होती है इनके ऊपर, और 1 जनवरी में दो जगह 14 जनवरी को गांव में अक्षर गेम्स होते हैं, तो उनमें प्रतिभा गांव-गांव की प्रतिभाओं का कंपटीशन करा जाता है। तो उन प्रतिभाओं के साथ साथ गांव के जितने भी लोग होते हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं, और उन लोगों के इकट्ठे होके आपस में हम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं बचपन के, उन सबका कंपटीशन करवाया जाता है।
तो मेरी क्या आदत थी, मैं छोटे नहीं मैं बड़ों को भी कॉल कर लिया करता, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। नहीं बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। जब मैं अपने शहर की बात करूं, मैं अपने गांव की बात करूं, तो वहां पे क्या होता था कि हमारे जितने मोहल्ले हुआ करते थे, उन सभी मोहल्लों में से एक एक पहलवान चुना जाता था। फिर वो मोहल्ले के कॉम्पिटिशन सारे होते थे, फिर उन मोहल्लों से हम 6 टॉप पहलवान निकालते थे, फिर उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होता। तो क्या इस तरह की परंपरा आपके गांव में भी वहां शुरू से रही है? हमारे गांव में पान्ने पड़े हुए हैं, जैसे एक बड़ा पान्ना है, एक भगतों का पान्ना है जी, एक उसको पौड़ी बीतला कहते थे। तो इस तरह हमारे गांव में 4 पान्ने थे। तो चारों पान्नों में हम जो पान्ना होता है वो अपने अपने की कंपटीशन करवाता था, उसको सपोर्ट करता था जी। तो उस पान्ने वाइज गांव में कंपटीशन हो जाता था कि किसके पान्ने का बढ़िया प्लेयर है, किस पान्ने का पहलवान अच्छा है। मैं बड़े पान्ने से बिलोंग करता था जी। तो जब कंपटीशन होता है तो पान्ने वाइज होता था, जब पान्ने वाइज के बाद में फिर गाँव से क्रॉस हो जाता था जी। और आप एक रेसलर हैं, और एक रेसलर की पहली जो शुरुआत है, स्टार्टिंग, तो आपने कहा कि आपके पिताजी ही आपके गुरु रहे, तो उनके सीखने के बाद आपने जब पहली बार दंगल लड़ा, तो उससे जुड़ी कुछ यादें बताइए कि क्या आपको चुनौतियां आई? देखिए कंपटीशन में चुनौतियां तो आती रहती हैं, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं आगे निकलूं, और उसके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और प्रत्येक माँ बाप गाँव में ये चाहता है कि मेरा बच्चा इससे आगे निकले, मेरा बच्चा इससे आगे निकले। मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव रहा हूँ, और मैं ये चाहता था कि मैं कुछ बनूं। उसके लिए मैं क्या करता था कि कंपटीशन के दौरान अपने आप को प्रिपेयर रखता था, मेंटली बहुत प्रिपेयर रखता था अपने आप को। मैं जब बैठता था बचपन में, पापा जब खाना खाते थे, मम्मी खाना खिलाती थी, तो मैं देखता था मम्मी कैसे खाना खिलाती है और कैसे खाते हैं। लेकिन जब मम्मी खिलाती पापा खाते, तो वो कहता है तेरे बेटे को भी कभी बना के बताना, ये खाएगा तब बनेगा। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं भी मेरे पापा जैसा बनूं, और मैं उसी हिसाब में दिमाग में रह के अपने आप को मेंटेन करता था। मैं प्रथम जो मेरी कुश्ती थी जी, मेरे गांव से पास में नजदीक एक गुत्ती गांव पड़ता है जी, वो दुलंडी के दिन भरता है, और उस दुलंडी में आसपास के सभी गांव के लोग वहां जाते थे कि भाई यहाँ आखिरी कामड़े की कुश्ती कौन मारता, कामड़े की कुश्ती, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मात्र उस टाइम 14 साल का था, तो मैं जब तैयार होके जा रहा था तो मम्मी कहने लगी, बोले बेटा तू 14 साल का है, सामने वाले तो 25-25 साल के पहलवान है। तो मेरे बहरोट से पहलवान था, वो मेरे से काफी उम्र में बड़ा था, तो उसकी लंबाई भी ठीक थी, उसका वजन भी मेरे से ज्यादा था। तो माँ ने मुझे कहा, बेटा वो तो बहुत बड़ा उम्र का है और वो वजन भी बहुत ज्यादा है, और तेरी उम्र तो, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं माँ, मैं तेरा बेटा हूँ ना, मैं बहुत अच्छा करके आऊंगा। तो बोला उसने तब भी लगाई, बोले बेटा बहुत ठीक है। मैं बोला हाँ देखना। तो माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं सन 1984-85 में पहला मैंने गुत्ती गांव में दंगल लड़ा जी, और मैंने लास्ट कुश्ती मारी। क्या बात है सर। और वो सिलसिला जो आपका शुरू हुआ, फिर आपने स्कूल लेवल पे भी मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, कहीं ना कहीं वो यादें आपको बहुत बड़ा सपोर्ट किया। और जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आप आए, तो यहाँ पर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी टीम में कुश्ती की टीम के कैप्टन बने, तो उस दौरान की क्या यादें रही, किस तरह से ये आपको उपलब्धि हासिल हुई? कि भैरोड कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, उस टाइम हमारे लामा सर करके कोच थे रेसलिंग के जी, वो मूलतः भिवानी से रिलेटेड रखते थे, बहुत अच्छे कोच थे जी जी। मैं उनके पास गया, तो प्रतिभा थी, तो उन्होंने मुझे दंगलों में देखा था, इसलिए मुझे उन्होंने चला के कहा कि आप मेरे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आइए एडमिशन लीजिए जी। और मैं वहाँ एडमिशन लेके मैं फर्स्ट यहाँ यूनिवर्सिटी में आया, तो वहाँ उस टाइम बी एस गिल कोच साहब थे मेरे, अभी तो वो रिटायर हो गए, बहुत अच्छे कोच थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने यहाँ जैसे गोल्ड दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि वाक्यों में आप बहुत अच्छे रेसलर बन सकते हो। तो मैंने प्रथम बार उनके सानिध्य में 89-90 के अंडर में ये मैट देखी। अच्छा, अभी तक उससे पहले तो आप जो था वो मिट्टी पे ही सारी मिट्टी दंगल में, मेरे जी, दंगल जी, मिट्टी में थे, क्योंकि स्कूल गेम में भी मिट्टी से लड़के में गया था। तो ये जो पहला मेरा एक था, ये बी एस गिल कोच थे मेरे यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया। उस टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ओरिया यूपी में हुई थी जी, और उस टाइम मैंने ओरिया यूपी में राजस्थान यूनिवर्सिटी को पहला गोल्ड दिलवाया था। क्या बात है, बहुत बहुत। तो आपने गोल्ड तो जीता, लेकिन जब हम बात करते हैं, आप स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से आप राजस्थान यूनिवर्सिटी गए, और आपने गोल्ड भी दिलवाया, लेकिन वो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज ए कोच आपने काम किया,
पर इतने सारे लोगों को अकेले जब हम कोई काम करते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन जब हमें सबको साथ लेकर चलना होता है तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो किस तरीके से आप उनको मैनेज करते थे? मतलब अब कोच के बारे में या मेरे उसके बारे में, मैनेज के बारे में बताऊं आपको? देखिए सर, इनका जो सवाल है वो आप दोनों तरफ से आंसर दीजिएगा। पहले ये जानना चाहती हैं कि आप किस तरह से मैनेज करते थे इतने लोगों में, जब इतने होते थे लोगों के साथ और जो कुश्ती लड़ रहे हैं, जो आपके साथ सबकी सोच अलग होती, तो आपके दिमाग में क्या प्लान चलता था उसको लेकर? देखिए मेरे दिमाग में एक प्लान था कि मुझे कुछ बनना है और मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और मेरी मम्मी चाहती थी भाई मैं कुछ बनूं, और मेरे जो दादाजी थे वो जिंदा थे उस टाइम, तो वो क्या करते थे कि उनको एक चीज़ थी कि जैसे मेरे भाई थे बड़े, वो घर में बहन थी, तो उनको कपड़े वगैरह कुछ ला के दे देना उनको, तो मैं रूठ जाया करता था, मुझे क्यों नहीं दिलाते मैं, तो वो मुझे कहा करते थे अरे ऐसा नहीं, देसी भाषा में जो मोटार होता है ना उस पर तो अपन बोरी डाल देते हैं, बोरी का मतलब टाट जिसे कहते हैं, तो तेरे पे तो टाट डाल देंगे तो तू तो मोटार है, अरे ये तो वैसे ही है, ये तो कमजोर है, इनको कौन देखता है। तो वो मेरा एक उत्साह बढ़ाते थे, तुझे कुछ बनना है और तू बनेगा, तो मैं उस चीज पे लेके इस चीज को अपने आप में खुद में ही रखता था कि मुझे कुछ करना है, और मैं श्वेत शिम सुबह उठ के अपने आप में किसी का इंतजार नहीं करता था, और मैं एक्सरसाइज करता था, और एक्सरसाइज करके इतनी एक्सरसाइज करता था कि मैं 3 घंटे लगातार पूरी एक्सरसाइज करता था। उस टाइम मैं 2,000 डंड मार दिया करता था, 7,000 बैठक मार दिया करता था, और वो चीज मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरे पापा के कदमों पे चलूं, और मेरी माँ की इच्छा थी मैं कुछ बनूं। राजकुमार जी, जहाँ पर माता जी की बात की आपने, कभी माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहा, तो जब आप कह रहे हैं कि मैं इतनी इतनी प्रैक्टिस करता था, 7,000 बैठक और दंड, और ये 2,000 दंड लगा लेते थे, तो जब खान पान कितना सुदृढ़ होता था उस समय, क्या आपको डाइट लेनी पड़ रही थी इन सब चीज़ों को करने के लिए, मैनेज करने के लिए? देखिए मैं सुबह जब मेहनत पे जाता था तो उस टाइम जैसे उठता था तो मुझे मेरी माँ एक गिलास घी पिला देती थी, एक गिलास घी जी, और उसके बाद मैं दौड़ शुरू कर देता था और दौड़ शुरू करके जब मैं वापस आता था तो उस टाइम लाइट वगैरह का इतना इंतजाम नहीं था, पंखे भी नहीं थे, तो मेरी माताजी जो घर में बड़ी थाली एक परात बोलते हैं जिसमें खाना बनता है, जिसमें आटा गूंथता था, परात बोलते परात बोलते हैं उसको, जो पीतल की होती है, तो मेरी मदर उसके दूध डाल के और 5 लीटर दूध में पाव घी डाल के और जो पंखा हाथ का होता था उसको यूं हिलाती रहती थी, ऐसे परात में 5 लीटर मतलब दूध और 250 ग्राम घी, यस, और जब मैं आता था तो वो उसको हिलाती रहती थी ऐसे उस परात में डाल के, क्यों लाइट का इतना नहीं था, पंखे भी इतने नहीं थे उस टाइम, तो उस पंखे से उसको ठंडा करती रहती थी यूं, और जब मैं मेहनत करके आता तो आते ही वो उसको बड़े जग में डाल देती थी और मैं उसको माँ के सामने खड़े खड़े पी जाया करता। क्या बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, और खान पान का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, और उसी का नतीजा है कि जब हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तभी हम आगे कुछ अच्छा कर पाते हैं। और आपने जब आगे बढ़े आप तो जिम्मेदारियां भी बढ़ी, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं हमारे साथ तो लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और आपने दिसंबर 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया कोच के पद पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो कैसी वो यादें रही, क्या अनुभव रहा उस पे, और क्या चुनौतियां आई साथ में? देखिए मैं इस चीज के लिए सबसे पहला जो श्रेय देना चाहूंगा हमारे माननीय खेल मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ को, बिल्कुल सर बिल्कुल, कि एक ओलंपियन मेडलिस्ट हमारे खेल मंत्री बने, और मैंने जयपुर जिले के लिए उनके साथ सर्वप्रथम अभी जो प्रो कबड्डी का आयोजन मैंने करवाया करता जयपुर ग्रामीण में, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे कहा, तो मैं कबड्डी से भी दरअसल जुड़ा हुआ हूँ, मैं कबड्डी का भी राष्ट्रीय प्लेयर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरह जयपुर ग्रामीण को, राजस्थान में इस गेम को आगे लाना चाहता हूँ, तो मैंने उनसे बातचीत की, तो हमने प्रो कबड्डी शुरू की, और प्रो कबड्डी जो हमने शुरू की तो कर्नल साहब ने इसका बहुत बड़ा योगदान दिया, एक मैसेज दिया गांव-गांव में, तो हमने पंचायत स्तर से इसको उठाया, पहले पंचायत में से एक गांव में से 2 टीमें ली, फिर पंचायत से 4 टीमें ली, फिर ब्लॉक पे 4 टीमें ली, इस तरह टोटल ब्लॉक से करते करते हम इस लेवल पे लेके आए, अब उस गेम को हमने काफी आगे तक ले आए। तब कर्नल साहब ने ये देखा कि भाई हाँ, इस राजस्थान में और इस जगह भी बहुत काम करने वाले अच्छे कोचेज हैं, तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को तो बहुत आगे होना चाहिए था,
तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ और अगर मुझे मौका मिलेगा देश के लिए तो मैं इसके लिए बिल्कुल आपको अच्छा करके दूंगा और देश का आपका नाम ऊंचा करूंगा। और उन्होंने इसके लिए मुझे प्रोत्साहित किया और मैं इंडिया टीम के जो कॉमनवेल्थ 2017 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका टीम गई उसके साथ मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और मैं टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका गया। और सर जहाँ आपने कर्नल साहब की बात की है, राज्यवर्धन साहब की बात की है, तो राज्यवर्धन साहब कभी आपके वहाँ पर कुश्ती देखने आए हैं सर, कभी ऐसा मौका पड़ा है? देखिए लेटेस्ट 22 तारीख को, पिछली 22 जुलाई को जी कर्नल साहब शुम मेरी मैट पे गए हैं और उन्होंने पहले तो ये कहा था कि मैं केवल 4 ही बाउट देखूंगा जी, लेकिन देखिए उन्होंने वहां पे 16 बाउट देखी है। क्या बात है सर। और उनके जो फोटोज हैं वो मैं आपको दिखाऊं, उनकी स्थिति ये है कि आपको ये लगेगा कि जैसे चेयर पे वो खुद ही जोर लगा रहे हैं। मेरे पास जो बच्चे बच्ची हैं उन्होंने आगे क्या प्रोग्राम था वो भूल गए इस चीज का जी जी, और वो इतने उस कुश्ती देखने में लीन हो गए कि उनको पता नहीं चला कि मैं 15 मिनट का समय था, मुझे 1 घंटा हो गया और उन्होंने मैट पे पूरा समय दिया और पूरी कुश्तियां उन्होंने देखी। और जिस भारत का, जिस राज्य का सांसद हो, जिस जिले का और एक खेल मंत्री हो और वो इतना समय अगर समय अपने बच्चों के बीच में, तो मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान को कोई रोकने वाला बहुत नहीं है। भविष्य सुनहरा है अब जो भारत का है। और आपने जैसे कहा कि कर्नल साहब बिल्कुल इस तरह से बैठे थे, तो ये वाकई एक सही बात है कि जब आप किसी कुश्ती को देख रहे होते हैं राधिका, तो सामने वाले को लगता है कि जोर वो लगा रहा है लेकिन अपने को भी लगता है कि मैं भी जोर लगा रहा हूँ, मतलब एक बहुत समानता इसमें होती है। एक कुश्ती खेल ऐसा होता है कि मैं आपको रवि जी बताऊं कि आप देखिए दंगल में कभी जाइए या मैट पे जाइए, अगर आपको ये लगेगा कुश्ती हो रही तो देखिए आपके अंदर की जो तरंगे हैं ना वो भी एक्टिव हो जाती एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। तो राधिका मैं आपको ये बताने चाहूंगा कि आप कभी भी इस चीज को नोट करिए, जब भी कोई स्पोर्ट्समैन रहेगा तो एक्चुअली वो आदमी उस प्रतिक्रिया से जुड़ जाता है जी, उसके अंदर ये आता है मैं ही खेल रहा हूं जी। तो ये उस टाइम कर्नल साहब की प्रतिक्रिया थी, उनके जो एक्शन थे, तो उन्होंने इस तरह देखा कि जैसे मैं ही खेल रहा हूं। जी बिल्कुल सर, मैं इस जगह आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जब गेम्स चलते हैं, जब कुश्ती होती है, तो एक तो इंडिया को हमको लगता है कि कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो हमारा उत्साह तो वैसे बढ़ जाता है। और जब हम देखते हैं कि साक्षी मलिक कुश्ती लड़ रही है और कितने पॉइंट्स उन्होंने बनाए, गोल्ड मेडल ला रही है, तो मतलब ऐसा लगता है कि घर का काम भी शायद एक तरफ छूट गया है और हम टीवी के सामने ऐसे जुट जाते हैं कि हाँ ये जो प्राइज है ये हमें ही मिलने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं जी सर, आप कंटिन्यू करें आप क्या। और एशियन गेम्स की बात करूं तो अभी मैं आपको बताऊं राधिका कि 3 पदक जो है वो हम अभी रेसलिंग में ला चुके हैं। एक तो मैं आपको नाम भी बताऊं कि विनेश फोगाट जो है, बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने स्वर्ण जीता है और साथ ही दिव्या सिंह ने जो वो 68 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। देखिए राधिका जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो आज जिस मुकाम पे आज हम हैं जी, जो 18वें एशियन गेम पे है, आज 50 पदक तालिका पे 8वें नंबर पे भारत है, बिल्कुल है, तो ये सारा श्रेय मैं अगर देना चाहूंगा तो माननीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह को देना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज ये होती है कि जिस घर का, जिस देश का, जिस मुल्क का, जिस राज का अगर उसका शासक बिल्कुल इस चीज में हॉनेस्ट होगा, उस चीज के लिए जानता होगा, तो वो डेफिनेटली उस प्रतिभाओं को निखारेगा, उसको पता है। कल एक उनकी फोटो जो हमने देखी, अखबारों में भी देखी, टीवी पर भी देखी, जब राज्यवर्धन साहब वहां पर खुद उन खिलाड़ियों के लिए खाना और चाय पानी सब लेकर वहां पर मौजूद है और उन खिलाड़ियों के लिए लेकर खड़े हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि देश का एक खेल मंत्री वो वहां पर उन खिलाड़ियों की आवभगत के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी का जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा होता है, तो इससे खिलाड़ियों का जो एक सम्मान है, जो खिलाड़ियों की भावना है देश के प्रति खेलने की और देश का नाम रोशन करने की, भारत के तिरंगे के पूरे सम्मान के साथ उठाने की, वो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। रवि जी देखिए, एक खेल मंत्री भारत सरकार का अगर एक एशियन गेम्स में अपने स्पोर्ट्समैन के साथ वहां खड़े होकर उनको ये कह रहा है कि आप जूस पीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, तो अपने आप में एक प्लेयर्स मोटिवेट होता है, और इससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता जी। जी जी जी। और अगर ऐसे खेल मंत्री भारत सरकार में बनेंगे तो निश्चित मैं कहूंगा 2024 में इंडिया में जो आज 50 टोटल है वो 50 टोटल स्वर्ण भी हो सकते हैं।
क्या बात है सर, हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं राधिका कि आने वाला जो समय है वो भारत के लिए बहुत सुनहरा हो और हम पदक तालिका में आगे से आगे बढ़ते रहें। और बिल्कुल जीतेंगे रवि, बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारे सिल्वर अभी आने बाकी हैं। और हम खान पान की बात कर रहे हैं कि हम जो हमारे जो रेसलर्स हैं उनके खान पान का भी ध्यान रखते हैं, तो अगर देखा जाए जो एक रेसलर है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी पड़ती है, क्योंकि एक रेसलर को कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अच्छा खेलने के लिए, जैसे खटाई वगैरह वो नहीं खाते। तो क्या क्या ऐसी बात चीज़ें हैं, ऐसा खान पान में ऐसा क्या है जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए जो रेसलर बनना चाहते हैं, आके आना चाहते हैं इस के स्पोर्ट के अंदर? और ख़ासकर अब मैं बात करूँ कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कितना डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए राधिका जी, मैं बीच में उसमें बताने भूल गया था, मैं एक रेसलर हूँ तो मैं रेसलर की ज़्यादा बातें करूँगा। जी, और एशियन गेम में पहला जो स्वर्ण मिला वो बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया जी को 68 किलोग्राम में, 65 किलोग्राम में उनको मिला था। फिर दूसरा विनेश फोगाट ने, विनेश फोगाट 50 किलो में, तीसरा दिव्या सेन ने दिलवाया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों स्पोर्ट्समैन जो भी ये रेसलर थे ये मेरे सानिध्य में कॉमनवेल्थ में भी थे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और इनकी जिम ट्रेनिंग भी मैं करवाता था मैं स्वयं। और ये जो दिव्या सेन है, इसके पापा एक बहुत गरीब परिवार से थे, और जब नेशनल होता था तो उस टाइम इसके पापा बाहर जांगिया और लंगोट बेचते थे और इसके पापा से भी बहुत नज़दीक थे। बजरंग पूनिया ये मूलतः हरियाणा से खुडा गांव के रहने वाले झज्जर से, तो मैं वहाँ झज्जर अखाड़े में भी रहा था, तो ये बचपन से ही मतलब मेरे सामने छोटे से बड़ा हुआ है। तो जो रेसलर होते हैं ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्पोर्ट्समैन चाहे कोई भी हो रहा है, खाने पीने में उन लोगों को बहुत विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए रेसलर या स्पोर्ट्समैन कोई भी है राधिका, वो चाय नहीं पी सकता जी। क्योंकि इसके लिए हम पहले सबसे पहले चाय एक बहुत बड़ा नुकसान करती है, उसके बाद में हम इन लोगों को कोई भी चटनी अचार खटाई की चीज यूज नहीं करने देते, लाल मिर्च हम यूज नहीं करने देते इन लोगों को, कोई भी भार की चीज तली हुई हम कोई चीज इनको खाने नहीं देते, ऑयली चीज हम इनको खाने नहीं देते जी। तो इस तरह एक रेसलर हो और एक स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन रेसलर के लिए विशेष प्रतिबंध होता है जी। तो इन लोगों को हम केवल सिर्फ जूस, बादाम, प्रोटीन, फ्रूट्स पे ही हम ज्यादा डिपेंड करने देते हैं और इन लोगों को इन बाकी जो चीजें उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब आपने पूछा कि लड़के लड़कियां में, नहीं राधिका ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे लड़के हो लड़के दोनों रेसलर तो होते हैं, डाइट उनकी वही होती है और उन लोगों को उसी हिसाब से मेंटेन करके चलना पड़ता है। राजकुमार जी एक बात करूंगा, पुराने जमाने की जब अखाड़ा हुआ करता था तो मैंने भी देखा है और कई बार नोटिस भी किया कि वो एक मलखम इस तरह से लेकर मुग्धर होता था और इस तरह से जो है वो घुमा के उसको अपनी बॉडी को बलिष्ठ बनाते थे। और अब समय के बदलाव के साथ तकनीक में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो अब जो पहले मिट्टी में कुश्ती हुआ करती थी अब जो है वो गद्दों पर होती है, तो और जो बलिष्ठ बनने की जो शक्ति है, जो लोगों की ताकत है, वो अब कहीं ना कहीं नए तरीकों में परिवर्तित हो गई है। तो किस तरह का परिवर्तन आया है अब पुराने जमाने में और अब के अखाड़ों में? रवि जी हमारे टाइम में, हमारे पापा के टाइम पे केवल हम दंगली पहलवान जी और दंगल में मिट्टी में कुश्ती हुआ करती, बिल्कुल। उस टाइम जब तैयारी होती तो उसमें हम अपने आप को बलिष्ठ बनाने की कोशिश करते थे और ऐसे करते थे कि भाई मसल्स जितनी ज्यादा टाइट होंगी, मसल्स जितनी बड़ी होंगी हम उतने बलशाली होंगे, और बात भी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उस टाइम केवल डंडल लगाए करते थे, बैठक लगाते थे और मुग्धर घुमाते थे। तो उससे क्या होता था, जो मसल्स होती है वो इतनी पावरफुल हो जाती थी कि पहले घंटों घंटों कुश्तियां चलती थी, तो मुग्धर जो था बैठक जो लगाते थे वो हम घंटों एक्सरसाइज क्या करते थे, जब तक सामने वाले मल से मल युद्ध चलेगा और जब तक तुलेगी नहीं ताकत तो वो मसल्स थकेंगी, वो पराजित होता था जी। तो वो समय था मिट्टी दंगल में केवल पावर बढ़ाने के लिए, मसल्स पावर बढ़ाने के लिए, और आज के टाइम में है टेक्निक जी जी। तो वो एक्सरसाइज में, आज के एक्सरसाइज में बहुत फर्क है, आज हम वो एक्सरसाइज कोई नहीं करवाते, नहीं हम बैठक लगवाते, नहीं हम कोई मुग्धर वगैरह घुमाते, आज केवल हम ध्यान देते हैं पीटी पे, जिमनास्ट पे, और फिजिकल बच्चे का जितना कंफर्टेबल हो, जितना फ्लेक्सिबल होगा जी, उतना ही अच्छा रेसलर बनेगा। और सर पुराने जमाने के पहलवानों की अगर मैं बात करूं तो गामा पहलवान, दारा सिंह, गुरु हनुमान, सतपाल सिंह, सुशील कुमार, मास्टर चंदगीराम, ये कुछ बहुत बड़े नाम हैं। तो जब इन लोगों ने उस जमाने में पहलवानी शुरू की और आज जो पहलवानी जो सिखाने वाले हैं, जो गुरु हैं,
तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म हर आदमी चाहता है कि मैं थोड़ा सा कुछ खेल में आगे बढ़ूं, थोड़ा सा कुश्ती लड़ूं, कहीं ना कहीं नौकरी पालूं, और एक तरह से खेलों का दायरा जो है वो इसमें भी सिमटने लग गया आजकल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आजकल जो हमारे जो सिखाने के जो प्लेसेस हैं जहाँ पर आदमी सीखने के लिए जाता है रेसलिंग कुश्ती वगैरह, तो कहीं ना कहीं किस तरह से जज करे कि ये बहुत अच्छा है और किस तरह से जज पता लगे कि भाई ये इतना सही नहीं है, कैसे व्यक्ति जजमेंट करे? देखिए रवि जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आपने जो नाम लिए उनमें मैं दारा सिंह जी के भी नजदीक रहा और उन्हें मैंने माइट मंगोल की वो फाइट मैंने बहुत नजदीक से देखी थी। और मैं जब दारा सिंह को देखता था तो अपने आप में होता था कि मैं भी कभी क्या कुछ बनूंगा। और माइट मंगोल की फाइट मैंने अलवर में हुई थी, सन मुझे याद नहीं तो हो सकता साथ वो 75-76 के आसपास होगी जहां तक मैं समझता हूँ। उसके बाद मैं गुरु हनुमान के पास में रहा हूँ, मैं वो चिड़ाव से बिलोंग करते थे, तो उनकी मुझे एक आदत थी कि वो बहुत टाइट थे अपने आप में और वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे और इतनी हार्ड करवाते थे एक्सरसाइज, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के एक्सरसाइज करवाता हूँ। मैं बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता एक्सरसाइज के टाइम में। आप राधिका मेरी एक्सरसाइज देखिए, आपने देखी भी होंगी या कभी मैट पे आके आप देखिए, मैं जिस तरह बच्चों की एक्सरसाइज करवाता हूँ तो आपको ये लगेगा कि आप देखते देखते थक जाओगे, करने वालों का क्या हाल होता है। उसके बाद में सतपाल जी हैं, वो हमारे आइडल रहे 82 के शार्ड में, और उसके बाद में सुशील कुमार जिन्हें ओलंपिक जो रहे हैं लगातार 2 ओलंपियन में, उन्होंने एक कुश्ती के लिए भारत में क्रांति लेके आए। हालांकि सुशील कुमार मेरे जूनियर रहे हैं, उनके साथ मेरी फोटोज भी मैंने आपको अपलोड करवाई थी, तो मेरे जूनियर रहे हैं, लेकिन एक जो क्रांति लेके आए हैं तो सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त, इन दोनों की देन से आज भारत में कुश्ती के प्रति बहुत क्रांति आई है। तो मैं ये मानता हूँ कि सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और विजेंदर, इन लोगों के मेडल लाने से भारत में एक नई क्रांति आ गई। सर मेरा जवाब जो था, सवाल था, उसका जवाब मुझे अभी बाकी है कि किस तरह से जजमेंट करे आदमी कि ये जो मैं जहां पर सीखने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह। रवि जी आप देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में देखिए कितने सर्जन हैं और कितने MBBS है, उन्होंने कहां से डिग्री हासिल की है, तो एडमिट उसी में होना चाहेगा। पेशेंट को अच्छी सर्जन के पास जाएगा, उसका सफल ऑपरेशन करेगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा, वो बिल्कुल ट्रीटेक्स में उसको मेडिसिन देगा। अगर आप इस तरह के झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक्सपेरिमेंट करेगा, 10 गोलियां देगा आपको, आप जुकाम की ले लो, पेट में दर्द हो गया इसकी ले लो, तो उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। एक अच्छे प्लेयर की निशानी, अच्छे कोच की निशानी होती है कि उसका बैकग्राउंड क्या होता है, बिल्कुल उसने किस मुकाम तक हासिल किया है, और पर्सनल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बाद बाद आज वो किस स्टेज पे खड़ा है और उसका खुद का फिजिकल कैसा है। अगर राजवर्धन सिंह जी, जब मैं कॉमनवेल्थ गया, जब हमारी कोचेज की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कर्नल साहब ने कि जब गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे दो और दो चार सही नहीं पढ़ा पाएगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो एक अच्छे ट्रेनर के लिए, अच्छे कोच के लिए, वो अपने आप में संपूर्ण निपुण होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, तभी वो देश के लिए छोटे पौधे भविष्य तैयार कर पाए। और वहां वो जो लोग एडमिशन लेने वाले उनको पता लगेगा अब हमें किस जगह एडमिशन होना। जी सर, आपने बहुत अच्छी सी बात हमें बताई, और आप रेसलिंग के दौरान कई सारी जगह गए होंगे और राजस्थान तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि जो हमारा राजस्थान है वो बहुत ही खूबसूरत है और कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको वो सुंदर ना लगे और बार बार घूमने का मन ना करे। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगह उदयपुर, हमारे अगले सेगमेंट पधारो हमारे देश में। सफेद डच टाइलों से बने इन झरोखों से पिछोला झील और उसमें स्थित लेक पैलेस का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसी महल में स्थित है
राणा भूपाल सिंह का निवास और अपने आप को सूर्यवंशी मानने वाले मेवाड़ के शासकों का स्वर्ण निर्मित सूर्य चिन्ह। सिटी पैलेस का एक अत्यंत मनमोहक आकर्षण है मयूर चौक में बनी कांच की मीनाकारी और कांच से निर्मित ये मयूर आकृति। इसी संग्रहालय में मेवाड़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में हुई खुदाई से मिली वे पाषाण प्रतिमाएं रखी हैं, जिन पर इतिहास ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धुरारी में। और अभी अभी हम घूमकर आए हैं उदयपुर, जो कि हमारी शान है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी हमारी शान है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और बहुत सारे चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड्स हमें मिले हैं। और तो आइए उनके बारे में अभी हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया है। और दोस्तों कामयाबी महज एक दिन में नहीं मिलती, और उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में कभी किसी को कामयाबी नहीं मिलती। इसी कामयाबी का जो सफ़र है हमारे जो गेस्ट है राजकुमार यादव जी से, उन्होंने कैसे तय किया आइए जानते हैं। जी हम आपकी रेसलिंग की बात करते हैं, अगर हम आम लोगों की भी बात करें, मैं अपनी खुद की भी बात करूँ, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जब हम टीवी में देखते हैं कोई गेम चल रहा है, चाहे वो हॉकी हो या फिर वो कुश्ती का गेम हो या फिर बैडमिंटन हो, मैच हो, कुछ भी हो, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, जबकि हम तो खेलते भी नहीं हैं, तो हमें लगता है कि अरे इंडिया जीतने वाली है, इतने आगे, कितने स्कोर बने। तो जब लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे उसको खेल रहे हों या फिर उसका इंडियन कोच हो, तो उन पर कितना ज़्यादा प्रेशर आता है, और उस प्रेशर से कैसे आप उसको हैंडल करते हैं। देखिए राधिका जी, जो आपने कहा कि मैं इस तरह खुद की उत्तेजना बढ़ जाती है टीवी, तो वो एक देश प्रेम होता है बिल्कुल। और आदमी अपने देश से इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि मेरा देश सबसे आगे बढ़े, और वो अपनी शक्ति भी लगा देता है टीवी पे बैठे बैठे, बाहर से बैठे बैठे लगा देता है। और ये प्रेशर बहुत बड़ा होता है राधिका जी, क्योंकि जब हमारे रेसलर मैट पे होते हैं तो हम चेयर पे बैठे रहते हैं, तो हम उनको गाइड करते रहते हैं, हम उनको आवाज़ देते रहते हैं। अगर उसका एक हाथ कहीं गलत चला जाता है, हम आवाज़ लेते हैं, बेटे हाथ को निकाल, यहाँ से हाथ को निकाल, पैर गलत चला जाता है, यहाँ पैर को बचा। तो ये एक प्रेशर होता है, लेकिन वो क्या है, हम अपने आप को इसमें मेंटल तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, और हम बच्चे को निरंतर उसको ये कहते हैं तुम्हारे कान है वो हमारी तरफ होने चाहिए और ध्यान है तुम्हारा मैट पे होना चाहिए। तो बच्चा जिस तरह चलता है, हमें लगता है यहाँ इसको ये करना चाहिए, तो हम आवाज मारते हैं यहाँ से बच जा, यहाँ से निकल जा। तो वो एक प्रेशर उस टाइम बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत सही। और ये देखा हमने टीवी पे कि कोच पे बड़ा प्रेशर होता है, और कोच हर 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ नई गाइडलाइन अपने खिलाड़ियों को देता रहता है। एक बात करूंगा सर कि हम कुश्ती में और कबड्डी में ओलंपिक में हमेशा से ही अग्रणी रहे हैं, और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करते आए हैं। लेकिन बीच में एक बार ओलंपिक संघ द्वारा ये बात उठाई गई कि जो रेसलिंग का खेल है उसको ओलंपिक से हटा दिया जाए।
तो इस बारे में एक कोच के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनकी रणनीति इस बारे में थी? देखिए जी, कबड्डी और कुश्ती भारत के गांव से जुड़े हुए गेम, गांव की मिट्टी से जुड़े, प्रत्येक हिंदुस्तानी इस गेम को खेल सकता है जी। जी। और प्रत्येक भारतवासी की एक इच्छा रहती है कि मैं कबड्डी कुश्ती जरूर खेलूं। और देखिए, कोई बड़ा पहलवान बना नहीं बना होगा या बड़ा कोई कबड्डी का प्लेयर बना नहीं होगा, लेकिन आप गांव में जाइए, प्रत्येक घर में आपको प्रत्येक आदमी कबड्डी कुश्ती का शौकीन मिलेगा और उन्होंने कुछ ना कुछ अपने जवानी के दिनों में दोनों गेम जरूर खेले होंगे। और जब ये बात आई तो एक भारतीय को बहुत निराशा हुई, हमें भी बहुत निराशा हुई कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा एक जो जिसे हम कह सकते हैं हमारे गांव का खेल है वो मिट जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए भारत सरकार को, खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण है, उनको, खेल मंत्रालय में और खेल मंत्रालय में कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस मंच से भी, भारत की तरफ से भी, और मैं सभी पहलवानों की तरफ से, कि उन्होंने पुरजोर से इसका विरोध किया और उन्होंने ओलंपिक में उस गेम को बरकरार रखना। बिल्कुल। और जब आपने भी बात की सर की कुश्ती की, तो जो पहले का समय था कुश्ती का और आज का जो समय है, आज जो युवा आना चाहते हैं, हम बात करते हैं जैसे आपने कहा कि गाँवों का खेल है कुश्ती, लेकिन जो शहरी बच्चे कुश्ती को प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं, इस लाइन में आगे आकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे, कहाँ गाइडलाइन उनको देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, शहर में जो बच्चा होता है सुबह 6 बजे उठता है, अपना वही रूटीन से स्कूल जाना, फिर आना, होमवर्क, ये, तो वो कैसे समय निकाले इन चीजों के लिए? रवि, कितना स्कोप है शहरी बच्चों के लिए? रवि जी, आजकल के माता पिता है दरअसल बचपन छीन लिया जी, और 3 साल के बच्चे को तो आजकल माता पिता भेज देते हैं स्कूल, भेज देते हैं, वो मुझे लगता है वो गलत है जी। अगर आपको एक स्पोर्ट्समैन बनाना है, एक अच्छा प्लेयर बनाना है, एक भारत के लिए अगर देश की रक्षा करे, चाहे वो बॉर्डर पे जाके करता है या विदेश में जाके भारत का झंडा लहराता है, गोल्ड मेडल जीतता है, राष्ट्रीय गान बजवाता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो आज हिंदुस्तान में प्रतिस्पर्धा है बच्चों को 3 साल में स्कूल भेजना, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। क्योंकि 6 साल तक तो बचपन होता है जी, और 6 साल के बचपन में आदमी जब तक खेलेगा, कूदेगा नहीं, गा मिट्टी में जब तक नहीं लौटेगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में नहीं आ पाएगी। आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को मिट्टी से तो पता ही नहीं मिट्टी क्या होती है, और मिट्टी में इतने प्रकार के अपने प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं जो अपने आप को बलिष्ठ बनाती हैं। शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे का खान पान बिगड़ जाता है। गाँव में बच्चा सुबह उठेगा, उठते ही तो वो लस्सी मांगेगा बिल्कुल, और माँ उसको क्या करेगी, दूध बिलोया, हम कहते हैं अध बिलोया दही जिसे कहते हैं, क्योंकि शाम को जो पूरा डाल देते हैं फिर सुबह उसको जब मत्ते हैं तो उसको अध बिलोया होता है, तो उसमें पूरी क्रीम होती है पूसा, मतलब एक तरह से वो इतना बलिष्ठ करता है, वो इतना ठंडकाई देता है, तो सबसे पहले वो दूध बिलोया दही पिएगा। शहर में बच्चा उठेगा सबसे पहले चाय मांगेगा, देखिए कितना फर्क है। सुबह गाँव में उठेगा तो वो दौड़ने के लिए जंगल में जाएगा, शहर में बच्चा उठेगा तो उठते ही उसको धुआं से मुकाबला करना पड़ेगा। बहुत बहुत सही बात है। दोपहर में खाना खाएगा तो उस बच्चे को वही घर में खाटे की सब्जी मिलेगी, चने की सब्जी मिलेगी, रायता मिलेगा, या फिर उसको दूध मिलेगा या लूणा घी मिलेगा, बाजरे की रोटी मिलेगी, मक्का की रोटी मिलेगी। शहर में क्या मिलेगा? शहर में उसको ज्यादा करेंगे भाई, उसको आलू की सब्जी खिला देंगे, गोभी की सब्जी खिला देंगे, पीने के लिए उसको न लस्सी मिलेगी न दूध मिलेगा। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं मैटर करता है कि गांव का खेल है और आज भी इसको गांव का ही खेल माना जाता है। और बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा फर्क है शहरों में और ग्रामीण जीवन की, जो हमारा जीवन है उसमें, लेकिन जीवन की बात करें तो हम पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाते हैं, और आपने इसको साबित भी किया और आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, और आपको एक अवार्ड मिला बेस्ट प्लेयर का, तो जो कि आपको जिला कलेक्टर ने दिया वहाँ के, तो क्या अनुभव रहा, कैसी खुशी के वो सुखद पल थे आपके लिए? देखिए राधिका जी, एक आदमी का एक सपना होता है कि मैं अपने आप में कुछ बनूं और मुझे कुछ ऐसा मिले कि मैं सबके सामने अपने आप को ये करूं भी मैं यहाँ कहीं से हूँ, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं। और उस टाइम श्री वेद प्रकाश जी भैरोड़ थे उप जिला कलेक्टर जी, और मैं उस टाइम जब ओरिया से मैं मेडल लेके आया, और मैं बेसिक कबड्डी का भी बहुत अच्छा प्लेयर था। बिल्कुल। और राधिका, कबड्डी के बारे में आपको बताऊं कि आप नेपाल और पाकिस्तान के साथ कबड्डी खेल चुके हैं भारत की तरफ से खिलाड़ी के रूप में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और साथ ही साथ अभी राजस्थान की कबड्डी की जो टीम है उसका आप सेलेक्टर भी हैं। क्या बात। मैं राधिका कबड्डी का भी प्लेयर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि एक अच्छा रेसलर कोई भी गेम खेल सकता है राधिका, मेरी एक सोच है, और मैं दोनों गेम लेके साथ चला जी।
और मैं सन 88 में मैंने किंग्सवे कैंप सीआरपी की तरफ से मैंने गेम खेला है, क्योंकि मुझे भर्ती कर लिया गया था उस टाइम एसडी मेहता कमांडेंट साहब थे जी। और दोनों टीम से मैंने मैच खेला है। और मेरे टाइम के जो प्लेयर थे, जो आज इंडिया टीम के कोच है, बलवान सिंह, बलविंदर संधू जो पंजाब से, अश्वन कुमार जो सर्विस से, इन सबका उग्र रूप हम मैचों में देखते रहते हैं जी। तो मैं उस टाइम के लेवल पे मैं खेला था उनके टाइम। और बलवान सिंह और बलविंदर पिड्डे ने लगातार 20 नेशनल खेले थे। हाँ। तो राधिका एक अच्छा रेसलर, मैं कहता हूँ कोई भी गेम खेल सकता है, वो अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है। तो मैं इस चीज के लिए सबसे पहले ये कहूंगा कि आदमी को बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए। बिल्कुल, अवार्ड की बात राधिका कर रही थी, एक राठ केसरी अवार्ड आपने जीता जी। उसके बारे में बताएं कि बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है अपने आपके पर्टिकुलर इलाके के अंदर। देखिए राधिका जी, रवि जी, मैं आपको बताऊं कि ये बैराठ बोलते विराटनगर। हाँ, बिल्कुल। तो ये उस टाइम ये वहां पे इसका टाइटल हुआ था जी। और उस टाइम एक दंगल लगाया था जिसमें राठ केसरी का खिताब था, और उस दंगल में ने सबसे बड़ा ये खिताब राठ केसरी का जीता था। और जब वो खिताब लेके मैं अपने आप गांव में गया, तो मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे चाहने वाले, उन्होंने वहाँ भारी बहुत बड़ा हुजूम लगा के मेरा स्वागत किया और मुझे उन्होंने कंधों पे बिठा लिया। और मुझे लगा मैं जिस चीज को चाह रहा था वो पूरा पूरा होने जा रहा है, ये मेरे माँ बाप। और उससे भी बड़ी उपलब्धि राधिका बताऊं कि 10 साल तक लगातार आपने वो राठ केसरी का खिताब जीता, ये एक बहुत बड़ी बात है। रवि जी, हमारे गांव में एक नांगल खोड़िया गांव होता है जी। उसमें एक दंगल लगता है, और वो दंगल लगता है अभी जन्माष्टमी को लगेगा जी। इसी अच्छा जन्माष्टमी को जी जी लगेगा अभी। तो राधिका जी, हमारे एक चीज होती है कि हमारे एक भाषा होती है हमारे तहसील में कि हम हमारी बहन बेटियां कहीं पे भी रिश्ता कर देंगे, शादी में चले जाएंगे, लेकिन उस दंगल में वो आ जाएंगी देखने के लिए उस मेले में। तो हमारे कहावत है, तूने नांगल खोड़िया का क्या कामड़ा जीता है। तो राधिका जी, मैंने लगातार 10 साल तक वो कामड़ा जीता है जी। और जब वो कामड़ा जीतते हैं तो हमारे इलाके में अपने आप में एक शान होती है, ये हमारे इलाके का बहुत बड़ा पहलवान है। बिल्कुल, ये तो बातें हुई खेल की जी। और अभी मैं बिल्कुल यहाँ पूछना चाहूंगी, ये सवाल आप पूछें ज्यादा बढ़िया। आपने रेसलिंग भी की, आपने कबड्डी प्लेयर भी आप रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान को गुनगुनाने का बहुत शौक होता है। तो आप भी कभी कोई भजन या कोई ऐसा की जो अक्सर गुनगुनाया करते हैं? हाँ राधिका जी, भजन तो मैं श्याम जी का गा लेता था और मुझे अच्छा भी लगता जी, था। तो उसकी कुछ दो लाइनें आप सुना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटी की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाबो मारो गाँव गयो से, न जाने कद आवे लो, बाबो मारो गाँव गयो से, न जाने कद आवे लो, भूख भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही मर जावे लो। आज माऊ तन रे खिचड़ी, काल राबड़ी घाट की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी श्याम की, जिमावे बेटी जाट की। क्या बात जी, बहुत ही खूबसूरत भजन है। और ये जो भजन है वो मुझे हमेशा अपनी दादी की याद दिलाता है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरी दादी ये वाला भजन अक्सर गाया करती थी और हम सब बच्चों को सुनाकर इसे सिखाया भी करती थी। तो बहुत खूबसूरत सी यादें हैं जो मेरी इस भजन से जुड़ी हुई है, जो आज फिर ताजा हो गई। हाँ बिल्कुल, बहुत सही कहा। और राजकुमार जी, जो कुश्ती कोच के रूप में आपकी एक पहचान बनी है, किस तरह से आने वाले युवाओं को आप आगे आने का संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? रवि जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत में कुश्ती हो या कोई भी गेम हो, लेकिन विशेषकर मैं क्योंकि रेसलर हूं और मैं एक रेसलिंग कोच हूं, तो मैं पहलवानों को एक संदेश देना चाहूंगा कि बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका है। और हमारे जो खेल मंत्री हैं वो इतने हॉनेस्ट हैं, एक ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, बिल्कुल, तो वो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में वो पूरा इस चीज को फैलाने के लिए उन्होंने जगह जगह ओपन जिम दे दी है, मैट अवेलेबल करवा दी है और पूरा मौका है। अभी उन्होंने 5 साल से 12 साल के बच्चों का एक टैलेंट सर्च किया है जी। उन बच्चों को हम 2024 के लिए तैयार करेंगे ओलंपियन के लिए।
तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के युवाओं के लिए स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है और उन लोगों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए और उनका आज भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा मुझे। क्यों कि जो आज तालिका है, जो जिस स्टेज पे आज हम इतने गोल्ड हैं, हमारे 9 गोल्ड हो गए और कभी 19 के आसपास हमारे सिल्वर हो गए, 22 के ब्रॉन्ज, टोटल 50 पदक, अगर अभी लगता अभी ये तालिका और ऊपर जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भारतीय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भारत सरकार के मंत्रालय की, खेल मंत्रालय की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, खेल मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ की, और विशेषकर रेसलर में मैं श्री बृजभूषण शरण जी को अध्यक्ष हैं जो, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस गेम को बहुत आगे ले जाएंगे और एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जी। और इस रेसलिंग को लेकर आपके जो सपने हैं भविष्य में कि कहाँ तक ये पहुँचना चाहिए, वो क्या है? दादाजी के मेरी मैट पे अभी करीब 80-85 लड़के, 24 बच्चियां हैं मेरे पास, और मेरे पास 5 साल से लेके और आज 22-25 साल तक के बच्चे हैं। मैं जो कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री, उनके जो एक मन में उन्होंने चलाई है, इच्छाएं हैं, मैं उनको पूरा करने के प्रयास में पूर्णतः लगा हुआ हूँ। मेरे जो बच्चे हैं राधिका जी, 5-5, 7-7 साल, 8 साल के, उनके बच्चों की आप इसमें देखी भी होंगी, देखना उनकी आप कला देखिए, उनकी टेक्निक देखिए, तो वो मुझे लगता है 2024 में आपका, मेरा, भारत का, कर्नल साहब का वो सपना साकार करेंगे और ओलंपियन में गोल्ड देंगे। बिल्कुल। और राजकुमार जी, आज सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पर आकर आपको कैसा लगा, हमसे बातचीत करके कैसा लगा? रवि जी, राजिका जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों से मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा जैसे मैं घर में बैठ के अपने परिवार से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजकुमार यादव जी, आप हमारे सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पे आए और हमें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी इतनी बेहतरीन पलों के बारे में बताया, सफ़र के बारे में बताया, और आपने जो कैसी ये कामयाबी अचीव की, उसके रहस्य जो था अब तक, उसे आपने हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, न्यूज रूम से खबरें आपके लिए, लेकिन उससे पहले आनंद लेते हैं लोकगीत का। धन्यवाद। रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान, सोनलिया धोरा और डोंगर कठे ही मैदान, रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान, सोनलिया धोरा और ये मैदान, रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान, नीचे में रामदेव देश नोक में करणी माँ, पुष्कर जी और खाजा साबरी है।